सेक्स अच्छा है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की मौत और ज्यादा बेहतर है। बस एक महिला का ये लिखना भर था और ये लाइंस पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने लगी। दरअसल इस संदेश को यूक्रेन पर रूसी सरकार के हमले से जोड़ा गया। जाहिर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध शुरू करने का आरोप है। इस वॉर को लेकर कई लोग व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हैं। और इसी बीच अलेक्जेंड्रा नाम की महिला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। बकायदा उस तस्वीर के स्क्रीनशॉट को सबूत के तौर पर कोर्ट में भी पेश किया गया। दरअसल तस्वीर में सूती बैग की एक तस्वीर थी जिस पर नीले रंग में लिखा गया था, सेक्स कूल है लेकिन पुतिन की मौत बेहतर है। बैग पर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का संदेश देने की भी बात लिखी थी। इसके बाद 28 जून को सादे कपड़ों में एक अधिकारी क्रासनोडार के घर गए। वे उसे घर से लेकर इंटरनल अफेयर के ऑफिस पहुंचे, जहां उसे पूछताछ की गई। महिला ने आरोप लगाया कि उसे अधिकारियों के सामने अपने शरीर पर बने टैटू को दिखाने के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता की बांह पर बने टैटू में एक कुत्ते को इंद्रधनुषी दुपट्टा पहने हुए दिखाया गया था, जिस पर लिखा था कुत्ता समलैंगिक है। महिला ने कहा, पुलिस अधिकारियों ने मुझे अपनी टी शर्ट की आस्तीन ऊपर करने के लिए कहा। इसके साथ ही मेरे सभी टैटू की जांच की गई। अंग्रेजी में लिखे शब्दों का अनुवाद करने के लिए भी कहा गया। उन लोगों ने मेरे चेहरे और टैटू की तस्वीरें भी ली। इस बारे में और बयां करते हुए महिला अलेक्जेंड्रा ने कहा, पुलिस अधिकारी को ये कहते हुए देखना मजाक लगा कि कुत्ते वाला टैटू प्रोपेगेंडा है। मुझे अपने वकीलों से भी मिलने का मौका नहीं दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने ताना मारा और सवाल किया कि उसकी माँ ने इतने खराब व्यवहार वाली बेटी को कैसे बड़ा किया है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ टीचर है। बहरहाल इस मामले पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अलेक्जेंड्रा को गैर पारंपरिक यौन संबंधों के प्रचार प्रसार और बदनाम करने के आरोपों में दोषी पाया। साथ ही उसके खिलाफ जुर्माने की राशि का भी ऐलान किया गया। वहीं दूसरी ओर इस मामले की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कई सारे लोगों ने अलेक्जेंड्रा के समर्थन में आवाज उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।